हेलो हेलो, आई एम ज्ञान प्रकाश एंड यू आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर एंड टुडे इज़ क्लास नंबर 33। इन प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न्ड सिंटेक्स रिलेटेड सम कॉमन एरर्स। हमने इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने सिंटेक्स से रिलेटेड कुछ कॉमन एरर्स किए थे। ये पूरी की पूरी जो अभी सीरीज चल रही है ए बी और सी, इससे अभी तो आज सी नंबर क्लास है, इससे पहले जो ए नंबर क्लास है, बी नंबर क्लास है, सी नंबर या आगे जो भी जाएगी क्लासें, ये सारी की सारी सीरीज है। और ये सीरीज किस पे बेस्ड है? सिंटेक्स पे है। ये सारी की सारी सीरीज किस पे है? सिंटेक्स या सब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे बेस्ड होगी ये सारी की सारी। ठीक है, जो भी होगा ए बी सी डी ई, आगे जितने भी पार्ट आएंगे इसके, तो सारे के सारे पार्ट जो होंगे किससे रिलेटेड होंगे? सिंटेक्स से रिलेटेड होंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड होंगे। द क्वेश्चन इज कि सिंटेक्स होता क्या है? तो हमने उसके बारे में बात कर ली थी इससे पहले वाली क्लास में। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सिंटेक्स और एस वी ए, तीनों एक ही चीज़ होती है। और उस पर हमने बेस्ड कुछ क्वेश्चन किए थे, कुछ रूल्स किए थे। पहले तो कुछ रूल्स किए थे हमने, है ना? और रूल्स के पीछे केवल इसको याद नहीं किया था हमने, याद करने को मैंने आपको बिल्कुल नहीं कहा था, मैंने उसके पीछे के जो लॉजिक्स हैं उनको मैंने समझाने की कोशिश की थी। और फिर हमने उसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस लिए थे। ठीक है, तो उसी कारवा को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आज शुरू करते हैं सिंटेक्स रिलेटेड कॉमन एरर्स पार्ट नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन द क्लास। तो इससे पहले की क्लासों में हमने रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक पढ़ लिया। हमने 5 रूल्स पढ़ लिए, अब 6th रूल की बारी है। तो 6th रूल क्या है? उससे पहले आप जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स बनाते जाना। ठीक है, नोट्स बनाते जाना, क्योंकि अपने हाथ से बनाए हुए नोट्स बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। क्योंकि मैं पढ़ा के निकल जाऊँगा और आप ये जो चीज़ें हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके गैजेट में ही रह जाएंगी। तो आपको यदि डाउनलोड करना है, आपको जो चीज़ें बिल्कुल बिल्कुल ही समझनी अच्छे से, तो फिर आपको ये नोट्स अपने हाथ से बनाने पड़ेंगे। हैंड रिटन नोट्स द बेस्ट है, इसको आपको बनाना ही है। ठीक है, चलिए रूल नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। रूल नंबर 6 ये कहता है कि दो सब्जेक्ट होंगे, पहला सब्जेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट, और उसके बीच में क्या होगा यदि ये सब चीज़ें आ जाए? क्या क्या चीज़ें? Neither nor, either or, या not only but also। ठीक है, दो सब्जेक्ट हो और उसके बीच में यदि कहीं neither nor either or not only but also आ जाए, तो फिर जो लगने वाली जो वर्ब है वो किसके हिसाब से लगेगी? सब्जेक्ट फर्स्ट के हिसाब से लगेगी, यानी जो पहले नंबर पर जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से ये वर्ब लगेगी। यदि ये सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसी लगेगी? सिंगुलर लगेगी। यदि ये प्लूरल होगा तो वर्ब कैसी लेगा? ये कैसी वर्ब लेगा? ये बिल्कुल ही प्लूरल लेगा। ठीक है, तो ये इस पे डिपेंड करेगा कि ये जो हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट है वो कैसा है। बात समझ में आ गई? क्या बोला मैंने? मैंने कहा कि यदि दो सब्जेक्ट हो, देखो सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट, सब्जेक्ट नंबर सेकंड, और उसके बीच में क्या लगा हो? इधर और हो। ठीक है, इसी तरीके से देखो सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट एंड सब्जेक्ट नंबर सेकंड, ये सब्जेक्ट ढूंढना आना चाहिए आपको, और उसके बीच में क्या लगा हो? नीदर नोर लगा हो। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से देखो आप सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट एंड सब्जेक्ट नंबर सेकंड, और बीच में क्या लगा है? Not only but also। बात समझ में आ रही है आपके? हमारे रूल में यही बात हुई थी ना कि दो सब्जेक्ट हो और उसके बीच में यदि neither nor आ जाए या either or आ जाए या not only but also आ जाए, तो उस स्थिति में क्या होगा? वर्ब जो है वो सब्जेक्ट फर्स्ट के हिसाब से लगेगी। ठीक है, तो ये देखो either or, ठीक है, ये सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट, ये सब्जेक्ट नंबर सेकेंड,
इसी तरीके से नीदर नोर, और इसके बीच में फंसा हुआ सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट और सब्जेक्ट नंबर सेकेंड, दो दो कर्ता आ गए इसमें। इसी तरीके से सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट ये रहा, सब्जेक्ट नंबर सेकेंड ये रहा, ठीक है। तो आपको ये जो है फ्रेम आना चाहिए, फ्रेमिंग जो है इसकी, ये जो बनावट है वो आपको पकड़ में आना चाहिए, कि जैसे सेंटेंस एग्जाम में आता है तो आपको ये दिमाग में आ जाना चाहिए, हिट कर जाना चाहिए कि ये इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें आपको पहचानना आ गया कि ये जो फ्रेम है कैसे फ्रेम हो रहा है, ठीक है। अब पहले तो इसका अर्थ समझ लीजिए कि इसका अर्थ होता क्या है, मीनिंग क्या होता है। नीदर का मतलब होता है ना तो, और नोर का मतलब होता है ना ही, ठीक है। इधर का मतलब होता है या तो या फिर, नॉट ओनली का मतलब होता है न केवल, बट आल्सो का मतलब होता है बल्कि। जैसे मान लो कोई लड़का है राम, राम ना तो हैंडसम है और ना ही इंटेलिजेंट है, राम ना तो हैंडसम है और ना ही इंटेलिजेंट है, तब वहां क्या इस्तेमाल होगा, नीदर नोर। या फिर मैं ये कह दूं कि या तो राम ने या फिर मोहन ने चोरी की है, या तो राम ने या फिर मोहन ने चोरी की है, तो इधर और का इस्तेमाल होगा। दोनों में से एक ऑप्शन को चूज करने के लिए इधर और का इस्तेमाल होगा, और दोनों ही ऑप्शन यदि नहीं है तो फिर नीदर नोर का इस्तेमाल होगा। नॉट ओनली बट आल्सो का मतलब क्या होता है, जैसे राम कोई लड़का है तो मैं उसके लिए कहूँ कि राम न केवल हैंडसम है बल्कि बल्कि वो इंटेलिजेंट भी है, ठीक है। राम इज नॉट ओनली हैंडसम बट आल्सो इंटेलिजेंट, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो अब चलते हैं अपने सेंटेंस की तरफ और उसमें देखते हैं कि किस प्रकार से एरर को सही कर सकते हैं। तो जो आपको ये देखना है कि आर लगेगा या एम लगेगा, आपको ये ध्यान रखना है। वॉज लगेगा या वर लगेगा, आपको ये ध्यान रखना है। तो आप खुद देखिए कि जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो फिर हम सब्जेक्ट किसके हिसाब से लगाते हैं, फर्स्ट के हिसाब से लगाते हैं। और सब्जेक्ट फर्स्ट क्या है, तो आपको जो है सब्जेक्ट फर्स्ट के हिसाब से लगाना है वर्ब। तो सब्जेक्ट फर्स्ट क्या है, प्लूरल है कि सिंगुलर है, फ्रेंड्स है ना, माई फ्रेंड्स, या तो मेरे दोस्त या मैं क्लास में जा रहे हैं, है ना, या तो मेरे दोस्त या फिर मैं क्लास के लिए जा रहा हूँ। तो मेरे दोस्त फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अपने आप में क्या है, प्लूरल है, और इसी बेस पर ये वर्ब डिसाइड होगी कि सिंगुलर लगेगी कि प्लूरल लगेगी। तो आर लगेगा, एम नहीं लगेगा। इसी तरीके से 15 नंबर सेंटेंस, नीदर माई पेरेंट्स, माई पेरेंट्स क्या है, प्लूरल है, बस इतनी सी बात है। इसी के बेस पर ये डिसाइड होगा कि आगे जो आने वाली वर्ब है वो कैसी होगी, वह होगी, वाज नहीं होगी। बात समझ में आ गई। आगे देखिए, नॉट ओनली प्रकाश बट आल्सो हिज ब्रदर कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क, ना केवल प्रकाश बल्कि उसका उसके भाई भी इस वर्क को, इस काम को 2 दिन के अंदर करने में सक्षम है। तो आपको तो बस ध्यान ये रखना है कि नॉट ओनली आ गया और बट आल्सो आ गया, उसके बीच में दो सब्जेक्ट आ गए, तो पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आएगी, और वर्ब ये सिंगुलर है, कैसा है, ये सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो ये अपने आप में सेंटेंस नो एरर है, बिल्कुल सही है। बात समझ में आ गई आपकी कि नहीं आई, ठीक है। अब 16 नंबर सेंटेंस देखते हैं, अब 16 नंबर सेंटेंस देखते हैं, पढ़ो और देखो। द पुलिस इसमें क्या आएगा, हैज लगेगा या हैव लगेगा। आपको ध्यान रखना है सब्जेक्ट का, मैंने जो ये रूल बताया है वो आपको सब्जेक्ट के हिसाब से ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट होगा तभी वर्ब लगेगी। यहां पर सब्जेक्ट क्या है, यहां पर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट पुलिस है ना, क्योंकि सब्जेक्ट तो सबसे पहले आता है भाई। किसी भी सेंटेंस का फ्रेम कैसे बनता है, ऐसे ही बनता है ना, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है। यानी सब्जेक्ट कितने नंबर पर आता है, एक नंबर पर, यानी जो ड्राइविंग सीट होती है वो सबसे आगे होती है, जो गाड़ी चलाता है उसकी सीट सबसे पहले आगे होती है, इसी को हम सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं, कर्ता। तो सबसे पहले ये है सब्जेक्ट। और पुलिस क्या है, पुलिस
प्लूरल है, पुलिश क्या है, प्लूरल है, क्योंकि हमने इससे पहले जो क्लासें लगी थी जब हम नाउन से रिलेटेड केस कर रहे थे, तो हमने कहा था कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं, एक मिनट मैं आपको बता ही देता हूँ, नहीं मिल पाया कोई बात नहीं, आप दोबारा देखो कि ये कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि दिखते तो सिंगुलर की तरह हैं, जो दिखते तो सिंगुलर की तरह होते हैं पर होते क्या हैं, ये प्लूरल होते हैं, मैंने आपको बताया था, आप याद करना, आपने नोट्स बनाए होंगे तो आपने नाउन से रिलेटेड केसेस में देखा होगा कि वे नाउन्स जो दिखते तो सिंगुलर की तरह हैं पर होते प्लूरल हैं, तो पुलिस जो होती है वो पुलिस, जितने भी पुलिस मैन हैं उनको हम कलेक्टिवली क्या कह देते हैं, पुलिस कह देते हैं, तो पुलिस जो हैव लगेगा, हैज़ नहीं लगेगा, ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आई। तो आपको सब्जेक्ट का भी ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट कौन बन रहा है, आप इधर और देख के मत उधर चले जाना कि इधर सर ने बताया था और बताया था तो हम इसके हिसाब से लगाएंगे, बिल्कुल नहीं, आपको ये देखना है कि ड्राइविंग सीट पे बैठा कौन है, ड्राइविंग सीट पे यदि इधर और बैठा हुआ है तब तो रूल लगेगा, यदि ड्राइविंग सीट पे नॉट ओनली बट ऑल्सो बैठा हुआ है तब तो सब्जेक्ट फर्स्ट के हिसाब से वर्ब लगेगी, लेकिन यदि इधर और जो है वो ड्राइविंग सीट पर बैठा ही नहीं है तो फिर वर्ब लगाने का कोई सवाल नहीं, वर्ब तो किसके हिसाब से लगेगी, इस पुलिस के हिसाब से लगेगी, ना कि सुभाष या हिज फ्रेंड्स के आधार पर लगेगी, बात समझ में आ गई आपके। तो ये था रूल नंबर 6th, इसको मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये रूल जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, देखिए ग्रामीण बैंक 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, 17 नंबर क्वेश्चन जो है ग्रामीण बैंक में आया हुआ है, तो मैं जो आपको क्वेश्चंस देता हूँ एक्सरसाइज के लिए वो मैं काफ़ी मेहनत करके ले आता हूँ, ताकि आपको वही चीज़ें प्रोवाइड कराऊँ, मैं वही चीज़ें मैं आपको बताऊँ जो जो एग्ज़ाम में आ चुकी हैं या फिर एग्ज़ाम में आने लायक हैं, मैं इधर उधर की बातें करता नहीं हूँ दाएँ बाएँ की, ताकि आपका टाइम भी ख़राब हो और फालतू की आपके ऊपर कंटेंट का बोझ भी पड़ जाए, तो मैं वैसे ही कंटेंट मैं क्रिएट करता हूँ ताकि आप कंटेंट बिल्कुल दाएँ बाएँ बिल्कुल ना हो और बिल्कुल ही एग्ज़ाम सेंट्रिक हो, ठीक है, तो ये है आपका अगला रूल, अब चलते हैं अगले रूल की तरफ, आ जाइए रूल नंबर 7th पे, पीछे कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही है तो उसको थोड़ा इग्नोर करें आप, क्योंकि रात के काफ़ी ज़्यादा बज चुके हैं, चलिए आ जाइए। तो ईच और एवरी, मैंने आपको बताया था जब मैं आपको करा रहा था, एक रूल कराया था मैंने, एवरी वन है ना, एवरीबडी है ना, समबडी, सम वन, समथिंग, तो इस तरह की चीज़ें जब मैंने कराई थी आपको, तो मैंने आपको कहा था कि ये जो होते हैं ये इसका नेचर कैसा होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, कैसा नेचर होता है इनका, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, और ये हमेशा एक एक करके बात करते हैं, कैसे करके बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं, और एक एक करके बात करेंगे तो ये सिंगुलर होंगे, तो वर्ब भी कैसी लेंगे, ये वर्ब भी कैसी लेंगे, ये सिंगुलर लेंगे, याद है ना आपको, याद नहीं है तो थोड़ा सा पीछे जाओ आप नोट्स में, और मैंने आपको जब रूल्स कराए थे इसी में इसी टॉपिक में जब मैंने रूल्स कराए थे तो मैंने कहा था कि ईच एवरी वन, एवरीबडी, सम वन, समबडी है ना, इस तरह की चीज़ें यदि हैं तो वो किस नेचर की होंगी, डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर की होंगी, एक एक करके बात करेंगी, एक एक करके स्ट्रेस डाल के बात करेंगी, इसलिए ये हमेशा ही वर्ब कैसी लेती हैं, सिंगुलर लेती हैं, बस वही बात है। देखिए ईच और एवरी आ गया, तो ईच और एवरी के साथ हमेशा क्या आएगा, नाउन जो है वो कैसा आएगा, नाउन हमेशा सिंगुलर आएगा, ध्यान रखना, ईच और एवरी के साथ हमेशा नाउन कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा, इसी तरीके से ईच और एवरी के साथ हमेशा नाउन कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा, क्यों, क्योंकि ईच और एवरी, ईच का मतलब प्रत्येक होता है, प्रत्येक मतलब एक एक करके बात करता है, इसलिए नाउन भी क्या आएगा, सिंगुलर होगा, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, ठीक है, तो जो आपका क्वेश्चन का फ्रेम होगा वो ऐसा होगा, ईच और एवरी दो बार दे रखा होगा, इनके साथ आपको नाउन जोड़ के दे रखा होगा, ठीक है, बीच में लगा रखा होगा एंड, और फिर वर्ब आपको लगानी पड़ेगी, तो चलते हैं पहले इसको देख लेते हैं, रूल पे थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं, आ जाते हैं सरकार 31st नंबर क्वेश्चन पे, देखिए ईच है, ईच यहाँ भी है, ये रहा आपका नाउन फर्स्ट और ये रहा नाउन सेकेंड, ठीक है, और ध्यान रखना ये दोनों क्या होंगे, सिंगुलर होंगे, सिंगुलर हैं क्या, हाँ जी, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अब चूंकि चूंकि
ये दोनों ही एक एक करके बात करते हैं, इसलिए वर्ब कैसी लेंगे, इज लेंगे ना कि आर लेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? इसी तरीके से देखिए एवरी, यहाँ भी एवरी आ गया। स्टूडेंट सिंगुलर है, हाँ जी बिल्कुल सिंगुलर है। टीचर सिंगुलर है, हाँ जी बिल्कुल सिंगुलर है। तो वर्ब भी कैसे लेगा, सिंगुलर लेगा प्लूरल नहीं लेगा। बात समझ में आ रही है आपके कि नहीं आ रही? क्या बताया मैंने, मैंने ये कहा ईच और एवरी के साथ नाउन हमेशा कैसे लगते हैं, सिंगुलर लगते हैं, ठीक है, और वर्ब भी कैसी आती है, सिंगुलर आती है। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है और कोई नई बात नहीं है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन हमने कर लिए, चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। इसको मैं स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आप दोबारा देख सकें इसको, ठीक है। ये जो चीज़ है, ये जो मैंने या फिर करके लिखा है, ये वही चीज़ है, ये वही चीज़ है, बस कहने का तरीका थोड़ा अलग हो गया है। क्या चीज़ है, यही है ईच और एवरी। आपने आपने एक मिनट, आपने एलजेब्रा पढ़ रखी है, जैसे मान लीजिए ए एक्स प्लस ए वाई है। आपने बीजगणित पढ़ रखी कि नहीं पढ़ रखी? आपने टेंथ तक तो पढ़ ही रखी होगी ना, टेंथ तक तो आपने पढ़ा ही होगा, दसवीं तक एलजेब्रा है। आप उसके बाद आपके स्ट्रीम अलग अलग हो जाते हैं, हो सकता है आपने साइंस नहीं ली हो, आर्ट्स ले ली हो, लेकिन आपने ये तो देखा होगा ए एक्स प्लस ए वाई। अब यदि दोनों में ए है तो हम क्या करते हैं, ए को कॉमन ले लेते हैं और अंदर क्या बच जाता है, एक्स और वाई, और बीच में निशान किसका है, प्लस का। एलजेब्रा में आपने ये समीकरण देखी होगी ना कि यदि कोई चीज़ सेम होती है तो हम उसको क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ पे ए है, यहाँ भी ए है, तो इन दोनों जो पद हैं, इन दोनों पदों में ए कॉमन है, इसलिए ए को हमने बाहर ले लिया और अंदर जो बच गया एक्स प्लस वाई वो रहने दिया हमने। बस इसी तरीके से, ये बात आपको समझ में आई तो आपको ये भी रूल समझ में आ जाएगा। ये जो मैंने लाइन लिखी है ये वाली, वो कोई नई चीज़ नहीं है, ये दोनों को कॉमन ले लिया मैंने। ईच और एवरी इसमें भी आया, ईच और एवरी इसमें भी आया, आया कि नहीं आया, दोनों में आया। तो दोनों में मैंने क्या किया, दोनों को मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया बाहर, तो अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया ये वाला नाउन और प्लस में ये वाला नाउन बच गया। बस यही चीज़ है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो चाहे इस फॉर्म में हो चाहे इस फॉर्म में हो, आपको ध्यान ये रखना है कि वर्ब हमेशा कैसी लगेगी, वर्ब कैसी लगेगी, हमेशा सिंगुलर लगेगी, और जो नाउन है वो कैसा आएगा, नाउन हमेशा ही सिंगुलर होगा, नाउन हमेशा ही सिंगुलर होगा। ईच और एवरी के साथ कोई भी नाउन आएगा तो सिंगुलर की तरह आएगा। बात समझ में आ गई? तो ये रूल कर दो चाहे ये रूल कर दो, बात एक ही है। मैंने इन दोनों में ईच और एवरी को कॉमन ले लिया और बाहर निकाल दिया, बाकी जो अंदर बच गए थे उसको हमने ब्रैकेट में डाल दिया था, ठीक है। तो ये दो सेंटेंसेस कर लिए हमने इसके बेस पे, तो चलते हैं हम आगे की तरफ। आ जाइए 33, 34 एंड 35, ये तीन क्वेश्चन है, इसको आप खुद ट्राई कीजिए। ये पिछले वाले कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है, तो इनको ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, टेक योर टाइम प्लीज। आ जाइए सरकार। एवरी है, एवरी है, नाउन फर्स्ट है, नाउन सेकंड है, चेक करिए दोनों सिंगुलर हैं क्या, हाँ जी दोनों सिंगुलर हैं, कोई बात नहीं। तो वह भी कैसी लेगा, सिंगुलर लेगा प्लूरल नहीं लेगा। बात समझ में आ गई? कई बार क्या करता है ये, तो आपको समझ में आ गई? अब मैं थोड़ा सा इसमें एक चीज़ नहीं डालता हूँ। कई बार क्या करता है वो एग्ज़ाम वाला, एग्ज़ाम में क्या करता है वो ये करता है कि आपको यहाँ पे एस लगा के दे देता है। बात समझ में आ गई? यहाँ पे एस लगा के दे देता है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर एरर निकालना है आपको। क्यों? क्योंकि ईच और एवरी के साथ हमेशा ही नाउन कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। बाई चांस यहाँ पर तो ऐसा एरर नहीं था, पर ऐसा एरर आ भी सकता है कि आपको ईच या एवरी के साथ जो है नाउन जो है कैसा दे दे, प्लूरल दे दे, आपको करना है सिंगुलर, ठीक है। यहाँ पर तो ऐसा कोई सिस्टम था नहीं, इसलिए सीधा ही हमने वाज लगा दिया, वर नहीं लगाया, ठीक है। आगे चलें, चलिए आगे। 34th, ईच ऑफ द गर्ल स्टूडेंट्स हैव बॉट अ गिफ्ट फॉर द टीचर। जितने भी स्टूडेंट्स थी उन सब ने एक एक गिफ्ट लाए, वो सब एक एक गिफ्ट लेके आए अपने टीचर के लिए, ठीक है। तो ईच है तो निश्चित रूप से हैव नहीं लगेगा, क्या लगेगा, हैज लगेगा, क्योंकि ईच या एवरी अपने आप में डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का है, एक एक करके बात करता है, एक एक करके बात करता है, और इसलिए वर्ब भी कैसी लेता है, ये
सिंगुलर लेता है, तो यहाँ लगेगा पहले तो हैज़, ठीक है। अब चलो कन्फ्यूजन शुरू होता है। कन्फ्यूजन ये होता है कि सर आपने कहा था ईच और एवरी के साथ नाउन जो होता है हमेशा सिंगुलर होता है, पर आपने तो यहाँ पे प्लूरल लगा रखा है। ईच ऑफ द गर्ल स्टूडेंट्स, गर्ल स्टूडेंट एक साथ है, कन्फ्यूज मत हो जाना, गर्ल अलग नहीं है, स्टूडेंट्स अलग नहीं है। गर्ल स्टूडेंट का मतलब है जो छात्राएं हैं, है ना। बॉय स्टूडेंट, स्टूडेंट्स दो टाइप के होते हैं ना, लड़के और लड़कियाँ। तो जो लड़के होते हैं उनको बॉय स्टूडेंट्स कह देते हैं, और लड़कियाँ जो होती हैं उसको गर्ल स्टूडेंट्स कह देते हैं। तो आप सर आप ये कह रहे हो कि ईच और एवरी के बाद नाउन सिंगुलर आता है, तो यहाँ पर ईच तो आ चुका, तो यहाँ पर सर नाउन सिंगुलर होना चाहिए ना सर। यहाँ पे एक और एरर होगा, यहाँ पे एस काटना पड़ेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन एक ध्यान रखना, आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था, और वो बात ये थी कि ऑफ जो है वो सिलेक्शन का काम करता है। ऑफ जो प्रिपोजिशन है वो किस चीज़ का काम करता है, सिलेक्शन का काम करता है, सिलेक्शन का काम करता है, ठीक है। सिलेक्शन किसका, सारी की सारी लड़कियों में से सिलेक्शन करता है, सारी की सारी लड़कियों में से एक एक करके सिलेक्शन करता है, ठीक है। बहुत सारी लड़कियां हैं, 1 2 3 4 5 7 जितनी भी हैं, उन सब के सबको एक एक करके सिलेक्ट कर रहा है कि इसने भी गिफ्ट लाया, इसने भी गिफ्ट लाया, इसने भी गिफ्ट लाया, ठीक है, इसने भी गिफ्ट लाया, इसने भी गिफ्ट लाया। जितनी भी लड़कियां हैं सबका एक एक करके सिलेक्शन कर करके, और वो बताता है कि हाँ सब लड़कियों ने टीचर के लिए गिफ्ट लाया, ठीक है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल अपने आप में करेक्ट है, क्योंकि सिलेक्शन तो एक से ज़्यादा में होगा, सिलेक्शन अपने आप में एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी तभी तो कर पाएंगे आपके। आप सिलेक्शन जब दुकान पे जाते हो, आप किसी शॉप पे जाते हो तो आप सिलेक्शन करते हो ना, है ना। किसी शॉप पे जाते हो आप तो आप तो सिलेक्शन करते हो ना कि मुझे ये सामान खरीदना है कि ये सामान खरीदना है, तभी तो सिलेक्शन हो पाता है। यदि उस दुकान में केवल यही चीज़ है, वैरायटी नहीं है उसमें, तो आपको मजबूरी में ये चीज़ खरीदनी पड़ेगी, उसमें सिलेक्शन तो यहाँ चलेगा ही नहीं। सिलेक्शन तो तभी होता है जब चीज़ें एक से ज़्यादा हों, एक से ज़्यादा हों तब सिलेक्शन होता है कि मुझे मुझे क्या लेना है ना, मुझे लक्स लेना है या फिर मुझे पियर्स लेना है साबुन, ठीक है। जहाँ पे लक्स साबुन ही है तो वहाँ पे तो आपको मजबूरी में लेना पड़ेगा, तो सिलेक्शन है ही नहीं आपके। तो एक से ज़्यादा होने चाहिए सिलेक्शन में, तो इसीलिए यहाँ पर ये स्टूडेंट्स कहना अपने आप में सही है, स्टूडेंट नहीं कहेंगे। बात समझ में आ गई। 31st नंबर सेंटेंस, 35th नंबर सेंटेंस देखिए। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग हिज और हर वर्क इन द लाइब्रेरी। ईच आ चुका, तो ये इस बात का सबूत है कि यहाँ वर्ब भी कैसी लेगा, सिंगुलर लेगा, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। अब दूसरी बात, क्या सर हम इसको एस को काट दें, क्योंकि आपने बताया था एवरी और ईच जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर के होते हैं, तो नाउन भी सिंगुलर होता है। बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन ये ऑफ को भूल रहे हो आप। ऑफ जो होता है वो सिलेक्शन का काम करता है, ऑफ सिलेक्शन का काम करता है, और सिलेक्शन किस में से लेना है, स्टूडेंट्स में से लेना है। सिलेक्शन किस में से लेना है, गर्ल स्टूडेंट्स में से लेना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स में से लेना है सिलेक्शन, तभी होगा जब एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी, जब एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी, और इसलिए ये स्टूडेंट्स कहना अपने आप में बिल्कुल सही है। ये प्लूरल इसका यहाँ पे चल जाएगा, इसको सिंगुलर करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर तो ऐसा था नहीं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो कहीं ऑफ है क्या, नहीं है, यहाँ पर ऑफ है नहीं, इसलिए यहाँ पे हमें नाउन को सिंगुलर रखना पड़ा। यहाँ पर देखो, यहाँ पे कोई ऑफ है क्या, यहाँ पे कोई सिलेक्शन हो ही नहीं रहा, इसलिए हमें नाउन को क्या रखना पड़ा, सिंगुलर। जहाँ पे ऑफ आ जाएगा तो वहाँ पे नाउन जो है प्लूरल चल जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऑफ जो है सिलेक्शन का काम करता है। तो ये आपके रूल्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो चलें अगले रूल की तरफ, ये रूल क्लियर हो गया। ये रूल ये था, 7th नंबर रूल था, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले रूल की तरफ, रूल नंबर 8 की तरफ। बहुत आसान है रूल, 1 मिनट। अगला है रूल नंबर 8। 8वां रूल क्या है, यदि दो नाउन हैं और दोनों ही एंड से जुड़े हैं, और दोनों ही नाउन से पहले आर्टिकल आ जाता है। आर्टिकल जानते हो आप, आर्टिकल क्या होते हैं, ए एन एन द, ए एन और द, ए एन और द। यदि ये तीनों में से कोई एक आर्टिकल, कोई भी एक आर्टिकल यदि नाउन के साथ जुड़ जाता है,
और वही चीज़ इसके साथ भी जुड़ जाती है और ये बीच में एंड आ जाता है, तो फिर हम ये दोनों को अलग अलग काउंट करेंगे, ये एक और ये एक। चीज़ों को फिर समझ लो। मैंने ये कहा, मैंने कहा कि किसी भी नाउन से पहले, क्या बोला मैंने, किसी भी नाउन से पहले यदि आर्टिकल लग जाता है तो वो, किसी भी नाउन से पहले यदि आर्टिकल लग जाता है तो उसको वो एक अलग एग्जिस्टेंस दे देता है। यदि किसी भी नाउन से पहले आर्टिकल लग जाता है तो उसको वो एक अलग एग्जिस्टेंस दे देता है। जैसे अ बॉय, तो अ बॉय ने क्या हुआ, उस लड़के को एक अलग अस्तित्व दे दिया। क्या दे दिया? अस्तित्व दे दिया, ठीक है। वो एग्जिस्ट करेगा अब, वो एग्जिस्ट करेगा अब, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल होते हैं ये क्या करते हैं, उस चीज को एग्जिस्ट करा देते हैं, उस चीज को क्या करा देते हैं, एग्जिस्ट। अब जैसे आर्टिकल है, आर्टिकल नाउन से पहले लग गया तो इसको इसने एग्जिस्ट करा दिया, अब ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, ये अब अस्तित्व में आ गया। इसी तरीके से इस नाउन के पहले आर्टिकल लग गया, आर्टिकल क्या होते हैं, ए एन दी होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये किसी भी नाउन से पहले लगकर उसको एग्जिस्ट करा देते हैं कि हाँ भाई ऐसे नाम का बंदा भी कोई है, इस नाम का फलाना बंदा भी कोई है। तो अब बताओ, एक तो ये नाउन हो गया, इसको एग्जिस्ट करा दिया आर्टिकल ने, और एक ये नाउन हो गया, इसको एग्जिस्ट करा दिया आर्टिकल ने, तो एक और एक कितने हो गए, एक और एक मिलके कितने हो गए, दो। और दो कैसे होते हैं, दो सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है, प्लूरल होता है, और इसीलिए वर्ब भी कैसे लेगा, वर्ब भी कैसे लेगा, वर्ब भी प्लूरल लेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? क्या बोला मैंने, मैंने कहा दो नाउन हैं और दोनों नाउन से पहले आर्टिकल अलग अलग आ जाए और बीच में एंड लगा हो, तो फिर वर्ब कैसे लेगा, ये प्लूरल लेगा। क्यों लेगा, इसलिए लेगा क्योंकि आर्टिकल जो होते हैं किसी भी नाउन से पहले लगकर, आर्टिकल जो होते हैं किसी भी नाउन से पहले लगकर उसको एक अलग अस्तित्व दे देते हैं, उसको एक अलग अस्तित्व दे देते हैं, एक अलग पहचान बना देते हैं उसकी, ठीक है, एक अलग पहचान उसकी बना देते हैं। अब वो भी एग्जिस्ट करता है और इसीलिए 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 ये जब आर्टिकल दोनों नाउन से पहले लगते हैं तो इसको भी एक अलग पहचान दे देते हैं और इसको भी एक अलग पहचान दे देते हैं, तो एक और एक मिलके क्या हो गया, दो, और दो प्लूरल होते हैं इसलिए वो भी प्लूरल आती है, ठीक है। अब बुक में तो आपको सीधा ये रूल रटा दिया है कि ये रट लो रूल और ये वर्ब प्लूरल, वर्ब जो है इसके साथ प्लूरल आएगी। क्यों आएगी, उसके पीछे का लॉजिक मैंने बताया है, ठीक है। अब आ जाओ 36th और 37th नंबर सेंटेंस पे और आप देखो कि इसमें क्या एरर है। एक मिनट का ब्रेक है, आपको वीडियो को पॉज करो और खुद से एरर निकालो। टेक योर टाइम, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। द एक्टर एंड द सिंगर, तो एक्टर जो है कि आगे द लग गया और सिंगर के आगे भी द लग गया, यानी इन दोनों का एग्जिस्टेंस हो गया अलग अलग, तो एक प्लस एक दो हो गए, यानी वर्ब कैसे लेगा, ये प्लूरल लेगा, हैज नहीं लेगा। बात समझ में आ गई, चलिए आगे। माय फ्रेंड अ पोएट, अ पोएट का मतलब होता है कवि, ए लग गया यानी इसने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, इसने जो है इसको एग्जिस्ट करा दिया। इसी तरीके से गाइड के पीछे भी, गाइड के आगे भी क्या लगा हुआ है, आर्टिकल लगा हुआ है एक, और बीच में क्या लगा है, एंड। ध्यान रखना, एंड को भी ध्यान रखना, बीच में जो अपना स्ट्रक्चर है वो ध्यान रखना, दो आर्टिकल और दोनों आर्टिकल के साथ नाउन होंगे और बीच में क्या लगा होगा, एंड लगा होगा, तभी ये बात बनेगी। एंड देख लिया आपने, अब ये क्या होगा, ये प्लूरल हो गए, ये प्लूरल हो गए तो क्या बन गया, आर लग गया, इज नहीं लगेगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये जो रूल था, रूल नंबर 8, वो क्या था, दो नाउन और दोनों के लिए अलग अलग आर्टिकल हों और बीच में एंड से जुड़े हों तो वर्ब कैसी आती है, प्लूरल आती है, ठीक है। ये जो सेंटेंस है आपका, ये जो नीचे वाला लिखा हुआ है, इस सेंटेंस को हम करेंगे अगले रूल को पढ़ने के बाद, ठीक है। तो चलते हैं अगले रूल की तरफ, फिर इस रूल को देखते हैं, रूल नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। अगला रूल है रूल नंबर
नो। ये रूल क्या है? ये कहता है दो नाउन है, बीच में एंड भी लगा हुआ है, लेकिन आर्टिकल एक बार ही लगा है, ध्यान रखना। रूल नंबर 8वां जो रूल था वो क्या था, उसमें दोनों जगह आर्टिकल लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पर क्या है, नाउन दो बार है, आर्टिकल एक बार है और बीच में एंड है। तब इस स्थिति में वर्ब क्या कैसी होगी? सिंगुलर होगी। क्यों? इसका रीजन देखो, मैंने आपको कहा था जो आर्टिकल होते हैं ए एन और द, ये जो आर्टिकल होते हैं ये क्या करते हैं, ये किसी चीज़ को एग्जिस्ट करा देते हैं, किसी चीज़ को हम कुछ किसी चीज़ को अस्तित्व में ला देते हैं, उसको बिल्कुल ही साकार रूप में खड़ा कर देते हैं। बात समझ में आई? तो जितनी बार ये लगेंगे, अब ये जितनी बार लगेंगे उतनी बार ये चीज़ें साकार होंगी। यदि ये एक बार किसी चीज़ के पीछे एक बार लगे तो ये एक बार साकार करेंगे, है ना, एक बार एग्जिस्ट कराएंगे। यदि दूसरे नाउन के पीछे भी लग गई है तो ये उसको भी एक बार एग्जिस्ट करा देंगे। बात समझ में आई? बस तो इतनी सी बात काफ़ी है कि आर्टिकल एक बार लगा तो एग्जिस्ट कितनी बार कराएगा उसको? एक बार ही कराएगा। कितनी बार कराएगा उसको? एग्जिस्ट एक बार ही कराएगा, इसलिए वर्ब भी कैसे लेगा? सिंगुलर लेगा। बात समझ में आई? जितनी बार आर्टिकल लगेंगे उस चीज़ को वो उतना ही उतनी बार वो प्रकट करेगा, उतनी बार उस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करेगा, उसको अलग अलग बताएगा, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पर आर्टिकल एक बार है, इसलिए इसने एक बार ही बताया, और एक क्या होता है, सिंगुलर होता है, इसलिए वो आप कैसी हो गई? सिंगुलर हो गई। तो चलिए सरकार, 38 एंड 39 जो है सेंटेंस देख लेते हैं, आप ही देखिए, मैं क्या देखूँ, तो आप देखिए और उसके बाद फिर मैं बताता हूँ आपको। टेक योर टाइम। आ जाइए, एक्टर एंड सिंगर, पहले एक बार लगा हुआ है द, तो वर्ब कैसी लेगा ये? सिंगुलर लेगा, प्लूरल नहीं लेगा, ठीक है? ध्यान रखना, यदि यहां भी द लगा होता, हालांकि इसमें नहीं है, यदि यहां भी द लगा होता तब इस स्थिति में ये हैव सही हो जाता, ये सही हो जाता, ये गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि ये दो बार अब आर्टिकल आ गया, इसलिए इसने दो बार इसको क्या कर दिया, एग्जिस्ट करा दिया, दो बार इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, दो बार इसको बता दिया, इसलिए हैव लग जाता। लेकिन यहाँ पर तो ऐसी कोई कंडीशन है नहीं, इसलिए अपने आप में ये बिल्कुल कहना गलत है। मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है? इतनी सी बात है। आगे देखिए अगला सेंटेंस, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, सेक्रेटरी का मतलब होता है सचिव, वॉज या व अवार्डेड। द एक बार आया, इसके बाद नहीं है, बीच में एंड आया, बस आपको एक बार ही लेना है, वॉज लेना है, वर काटना है। बात समझ में आ गई आपके? तो ये रूल नंबर 9 था। रूल नंबर 8 और 9 में क्या फ़र्क है? बहुत हल्का सा फ़र्क है। हल्का फ़र्क क्या है? हल्का फ़र्क ये है कि जितनी बार आर्टिकल आएगा, यदि आर्टिकल पहले नाउन के साथ भी आ रहा है और आर्टिकल दूसरे नाउन के साथ भी आ रहा है और बीच में एंड लगा हुआ है, तो इस स्थिति में वर्ब कैसी लेगा? प्लूरल लेगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल कितनी बार आ गया? दो बार आ गया। लेकिन यदि आर्टिकल एक बार ही आए और नाउन जो है दो बार आ जाए और बीच में एंड आ जाए, तो इस कंडीशन में वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी। बात समझ में? क्यों? क्योंकि आर्टिकल एक बार आ गया, जितनी बार आर्टिकल आएगा उतनी बार उसको हम मानेंगे कि हाँ ये चीज़ डेफिनेट हो गई, ये चीज़ बिल्कुल ही काउंटेबल हो गई, ये चीज़ अपने आप में अब एग्जिस्ट करती है, ठीक है? तो इसको एग्जिस्ट करा दिया इसने और दूसरे नाउन को भी एग्जिस्ट करा दिया इसने, तो ये अपने आप में क्या बन गया, ये प्लूरल बन गया, ठीक है? इसको भी करा दिया इसने, इसको भी करा दिया। इस यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पर केवल और केवल एक ही आर्टिकल ने एग्जिस्ट कराया इन दोनों को, इसलिए ये एक ही सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है? बात समझ में आई आपके कि नहीं आई? अब देखिए इसमें, अब जो पीछे वाला जो सेंटेंसेस था थोड़ा उसका अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं। द एक्टर एंड सिंगर अब हैव कम्प्लीटेड या हैज़ कम्प्लीटेड प्रोजेक्ट्स, इसका मतलब ये है कि जो एक्टर और सिंगर है वो एक ही है, क्योंकि एक बार ही तो उसने बताया है। द आर्टिकल कितनी बार लगा? एक बार, यानी वो एक्टर भी है और सिंगर, वही एक आदमी है, एक ही आदमी है जो एक्टर और सिंगर दोनों है। यहाँ पर देखो, प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, अब यहाँ पर एक बार ही आर्टिकल लगा, इसका मतलब प्रिंसिपल और सेक्रेटरी एक ही आदमी है, इसलिए वॉज लगा है, ठीक है? लेकिन इससे पहले वाला जो सेंटेंस था, इससे पहले वाला जो सेंटेंस था उसमें देखो आप, उसमें आप देखो उसमें क्या है, उसमें एक्टर और सिंगर ये दो अलग अलग लोग हैं, एक्टर भी अलग है, सिंगर भी अलग अलग है, इसलिए हैव आया, ठीक है? पोएट
जो कवि है और एक गाइड जो कि आपको रास्ता बताता है, ये दोनों के आगे आर्टिकल लग गया, यानी इसको भी इसने एग्जिस्ट करा दिया, इसको भी एग्जिस्ट करा दिया, यानी ये एक बंदे नहीं है, ये दो बंदे हैं, पोएट अलग है, गाइड अलग है, इसलिए आर लगा। ठीक है, अब इस सेंटेंस की तरफ आ जाते हैं। अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ आर ग्रेजिंग देयर, क्या करोगे आप बताओ? आर्टिकल कितनी बार लगा है? एक बार लगा है, और बीच में क्या आ गया? एंड आ गया, तो ये पहला नाउन हो गया और ये दूसरा नाउन हो गया। यानी ये जो आर्टिकल एक बार लगा है, इसका मतलब जो ये काऊ है वो एक ही है, वो जो गाय है वो एक ही है, वो काली भी है और वाइट भी है, यानी कि काले और सफेद का कॉम्बिनेशन है। बात समझ में आ गई? ये बात कैसे पता चली? ये बात पता चली आर्टिकल की संख्या के आधार पर। आर्टिकल एक बार है, इसका मतलब वो काऊ भी एक ही है, उसमें ब्लैक ही भी है और वाइट, ब्लैक और वाइट दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसलिए आर नहीं लगेगा, इसलिए आर नहीं लगेगा। और क्या लगेगा यहाँ पे? इज लगेगा। क्या लगेगा? इज लगेगा। इसको मार्क करेंगे यदि एरर, तो कहाँ मार्क करेंगे? इसमें आर को काट के इज मार्क करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई आपके? चीज समझ रहे हो आप कहाँ गलती हो रही है? ठीक है, जितनी बार आपको, कुल मिला के सीधी सी बात ये है कि जितनी बार आर्टिकल होगा उतनी बार वर्ब आपको काउंट करनी है। जितनी बार आर्टिकल होगा, एक से ज़्यादा बार होगा तो वर्ब प्लूरल लेगा, और केवल आर्टिकल एक बार है तो वर्ब कैसी लेगा? सिंगुलर लेगा। ठीक है, तो आज हमने कुछ रूल्स कर लिए, तो आज के लिए इतना ही। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आप नोट्स बनाते रहें, ठीक है, ध्यान रखना नोट्स बनाते रहना है आपको, रिवाइज करते रहना है, क्योंकि पीछे से चीज़ें जुड़ती चली जाएंगी आगे, ठीक है, तो ये बिल्कुल ही ग्राफ ऊपर चला जाएगा, तो आप बिल्कुल रिवाइज करते रहना, क्योंकि चीज़ें आपस में कनेक्ट हैं, आज की क्लास कल की क्लास से जुड़ी हुई है। जब तक इस क्लास को पढ़ोगे नहीं, तब तक अगली क्लास को पता कैसे चलेगा? क्योंकि पिछली अगली वाली क्लास पढ़ने से पहले वो पीछे वाली क्लास की जो जानकारी है वो काम आएंगी, फिर इससे अगली वाली क्लास जाने के लिए हमें इससे पहली वाली क्लास को जानना पड़ेगा, इसी तरह से अगली क्लास को जानने के लिए हमें इससे पहली वाली क्लास, क्योंकि जानकारियाँ सारी जुड़ती जाएंगी। पढ़ाई, केवल पढ़ाई जो होती है वो चैन की तरह होती है, ये आपस में जुड़ी रहती हैं। ठीक है, यदि एक भी चेन टूट गई तो फिर आगे पढ़ाई जो है वो ब्रेक हो जाती है। इसलिए जो आप वीडियोस देखना, तो बिल्कुल ही सीरियल नंबर से देखना, बिल्कुल इत्मीनान के साथ देखना, तसल्ली के साथ देखना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ध्यान रखो अपना, खुश रहो, घर पे रहो और पढ़ाई करते रहो, नोट्स बनाते रहो, रिवाइज करते रहो। मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो आप भी कोशिश करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।